बुलाते हैं कि पढ़ा के जाओ, तो आज भी उसी के पर्पज़ पे काम था जिसकी वजह से मैं गई थी वहाँ पे, तो इसलिए मुझे साड़ी पहन के जाना पड़ा। तो बहुत ही सिंपल से फॉर्मल से एक जॉर्जेट की मैंने साड़ी पहनी हुई है और बस यही पहन के मैं निकल ली थी। तो स्कूल में पॉसिबल नहीं होता कि ऐसे ब्लॉगिंग करो, क्योंकि वो एक कल्चरल जगह, सब वो चीज़ उस चीज़ को नहीं समझते हैं। तो मुझे लगा कि चलो घर पे आते हैं उसके बाद शूट करते हैं। तो प्लीज़ बताना दो, मतलब कि दोपहर का मेरा आप लोगों को कैसा लगा। तो बस मुझे अभी चावल बनानी है और आप लोगों से बातें करते करते मैं ब्लॉग शूट कर रही हूँ। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ वो दो साड़ियाँ जो कि उस दिन मैं लाई थी, पूरी तरह से मैंने खोल के नहीं दिखाई थी। तो चलिए चलते हैं। ये दो बॉक्सेस हैं साड़ियों की और इसमें साड़ी है, वो पहली वाली साड़ी, ये है वो दूसरी वाली साड़ी। तो ये रही वो दोनों साड़ियाँ, ये है वो एक साड़ी। तो इसको मैंने ऐसे सोफे पे खोल के लगा दिया है जिससे कि आप लोगों को समझ में आए। तो ये रही वो एक साड़ी, बहुत ही खूबसूरत से, और ये रही वो मेरी दूसरी वाली साड़ी। तो ये जो है नीचे मतलब कि पैर के साइड में आएगा, बाउंस साइड पे, और ये जो पोर्शन है ये मिडिल में होगा और ये जो पोर्शन है वो कमर में होगा। तो ये रही वो दोनों साड़ियाँ जो कि मैं उसे लेने को आई। और मैं साड़ियाँ ज़्यादा पहनती हूँ ब्लॉग्स में भी और फेसबुक और इंस्टा पे भी, मेरे जितने भी पिक्स हैं मोस्टली वो साड़ियों पे ही होती है। तो ये रहा कुछ बहुत सारी जो कि मैं नेक्स्ट पहनूंगी तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। फिलहाल यहाँ पे वो जो साड़ियाँ हैं फिश मॉर्निंग में वेज, तो डिनर में नॉन वेज। मैं नहीं खाती हूँ पर मम्मी खाती हैं, तो आई होप आप लोगों को अच्छी लगेगी। ये लोटी फिश है, बहुत ही इसमें हैवी प्रोटीन है और बहुत ही हेल्दी है। साथ में है रोटी के साथ लौकी वाली दाल, सुबह को प्लेन वाली दाल थी पर इसमें मैंने लौकी ऐड करा है, तो लौकी वाली दाल।
विद जीरा का तड़का और ये गोभी की भाजी है कद्दू। तो ये सब रात का आइटम है क्योंकि हम लोग सब्जियां बहुत ज़्यादा खाते हैं और एक्चुअली घर पे नॉन वेज और वेज दोनों है तो इस वजह से दोनों मिक्स। गुड इवनिंग। तो शाम हो गई है और पूरे घर की जो लाइट है वो ऑफ है, तो चलिए पहले घर की लाइट की लाइट जो ऑफ है उसको मैं ऑन कर लेती हूँ। तो हो गया है लाइट ऑन और फिलहाल मुझे पीनी है एक कॉफी। तो चलिए पहले पीते हैं कॉफी क्योंकि मैं कॉफी का कीड़ा हूँ। चलिए मैंने फिलहाल जो है ये वाली लाइट ऑन कर ली है क्योंकि वैसे बहुत ज्यादा लाइट, फिर से छोटी वाली लाइट ऑन कर ली है क्योंकि बड़ी वाली लाइट में बहुत ज़्यादा लाइट आती है। और अभी मैं जा रही हूँ किचन में जाके कॉफ़ी बनानी पड़ेगी और थोड़ा सा क्लीन है आज मेरा किचन और ऑलरेडी कॉफ़ी बनी हुई है, फिर से बनाते हैं कॉफ़ी। मैं कॉफ़ी में बहुत ज़्यादा सबसे ज़्यादा ऑल टाइम ये नेस्कैफे यूज़ करती हूँ, तो मुझे कॉफ़ी पीना बहुत ज़्यादा पसंद है और फिलहाल मैं कॉफ़ी बनाती हूँ। इसमें मैं ऐड करूंगी शुगर। कॉफी बहुत ज्यादा मीठी अच्छी नहीं लगती तो इसमें लाइट ही शुगर यूज करा है मैंने। तो अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ कॉफी थोड़ा ज्यादा ही क्योंकि मैं थोड़ा हार्ड कॉफी यूज करती हूँ। और बस अच्छे से इसको थोड़ा उबालूंगी और मेरी कॉफी जो है वो रेडी हो जाएगी। कट करके अलग कर लिया है। यूज कर रही हूँ तेज पत्ता टेस्ट के लिए, कुछ बड़ी इलायची टेस्ट के लिए और मुझे खोआ मिला नहीं तो बंगाल में कलाकंद बहुत फेमस है मैंने वो ले लिया तो इससे भी एक अच्छी सी टेस्ट आ जाती है। कि आप जितना यूज करना चाहे अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, कितना भी मीठा आप खाओ या कितना कम खाओ उसके हिसाब से सब कुछ रेडी है। बस अभी इसमें सबसे जो खास चीज है वो है घी। यूज कर रही हूँ मैं कुंडू घी, ये एकदम प्योर घी होता है तो हम लोग यही यूज करते हैं मोस्टली किसी भी खाने में, तो घी यूज करेंगे के तो गाजर का हलवा बनना इम्पॉसिबल है क्योंकि टेस्ट आनी चाहिए। तो फिलहाल ये दूध कच्चा है इसे मैं थोड़ा गर्म कर लूंगी और ये यूज करूंगी गाजर का हलवा में।
यूज़ कर लिया है गाजर को, साथ में है ये सारे सामान की और इसमें है दूध। तो बस इसे मैं प्रेशर कुकर में सीटी डाल के बॉयल कर लूँगी और बनाऊँगी गाजर का हलवा। कद्दूकस करके बॉयल कर लिया था, बस प्रेशर कुकर में 2 सीटी डाली और ये पूरी तरह से बॉयल हो चुका है। तो चलिए बनाते हैं गाजर का हलवा। फिर मैंने कढ़ाई चढ़ा ली है और मैं बनाऊंगी कल का हलवा। तो पहले ऐड करती हूँ घी इसमें और जो भी प्रोसेस है फिर बैक कैमरा करके दिखाऊंगी तो ज़्यादा बेटर होगा। चलिए करती हूँ। कर रही हूँ घी, 1 बड़ा चम्मच घी, क्योंकि इसमें घी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। फिर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ तेज़पत्ता, कुछ इलायची के दाने डालूंगी, इसको मैंने तोड़ के डाला है, और कुछ जो है क्रश करके ऐड करूंगी। ऐड कर रही हूँ गाजर, और मैंने इसमें गाजर ऐड कर दिया है। अब बस थोड़ा इसे भूनूंगी क्योंकि इसे मैंने घी ऐड किया हुआ है, तो फ्लेवर आ जाएगा। घी भी अच्छा हल्का इसे भूनूंगी और उसके बाद में इसमें ऐड करूंगी खोया, दूध, चीनी और कुछ काजू किशमिश के दाने। यूज़ करूंगी कुछ काजू किशमिश क्योंकि ड्राई फ्रूट्स है और खाने में बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं और एक बहुत ही अच्छी सी लुक भी आती है। रही हूँ कुछ काजू और किशमिश जो कि कटे हुए हैं, मैंने इसको कट कर लिया छोटे छोटे पीसेस में। कर रही हूँ खोया, इसको मैं थोड़ा क्रश करके ऐड कर रही हूँ तो सही लगेगा ऐड करने में और अच्छी सी टेस्ट आएगी। ऐड कर रही हूँ चीनी अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, जैसा कि आपको सही लगे खाने में। ऐड कर रही हूँ मिल्क, प्योर कॉन्स्टेंट मिल्क एकदम सा, और मैं इसे उबाल लूँगी। उबाल आएगा तब तक और फिर एकदम से इसको सूख जाने तक, एकदम ड्राई हो जाने तक इसे पकाऊंगी, जिससे कि इसके बाद मैं फिर इसमें 1 चम्मच घी ऐड करूँगी। ये पूरी तरह से एकदम से दूध जो है ऑब्जर्व कर लिया है गाजर ने और पूरी तरह से सूख चुका है। बस अब ये रेडी है सर्व करने के लिए। कुछ इलायची के दाने जिसको मैंने कि थोड़े से तोड़ लिए हैं और क्रश कर लिया है, ऊपर से कुछ काजू और किशमिश जो है वो ऐड कर रही हूँ। हल्का सा घी ऐड करूँगी जिससे कि ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगे और स्मेली भी आए अच्छी सी। तो ये गाजर का हलवा है पूरी तरह से रेडी है खाने के लिए। तो मैं इधर भी टेस्ट करती हूँ और बताती हूँ आप लोगों को कैसा लगा। आई होप आप लोग भी मेरे गाजर के हलवा को बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे। तो मैं आ गई हूँ मेरे फेवरेट वाले वॉल साइड में, यहाँ से मुझे ब्लॉगिंग करना या फिर पिकनिक ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मेरा गाजर का हलवा रेडी है खाने के लिए, मैं मेरे गाजर के हलवा को एंजॉय करती हूँ और मैं मेरे इस ब्लॉग को आज ही एंड करती हूँ। तो अगर आप लोगों को मेरा आज का ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही साथ वो बेल का घंटा बजाएं जिससे कि आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी। तो बस अभी के लिए मैं इतना ही करती हूँ। गुड नाइट, टेक केयर, स्वीट ड्रीम्स, अपना ख्याल रखें, मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और शेयर करें। तो टाटा, बाय बाय, गुड नाइट, शब्बा खैर, खुदा हाफिज़।